Nadie me la da.
आ जाओ खाना लेके आ जाओ। मोबाइल क्रेश एक स्वयंसेवी संस्था है और यहाँ पे हम 0 से लेके 12 साल तक के बच्चों के लिए काम करते हैं और ख़ासकर कंस्ट्रक्शन साइट्स पे और कुछ हमारे सेंटर्स हैं स्लम्स और रिसेटलमेंट कॉलोनीज में। यहाँ पे हमारा जो काम है बच्चों के साथ, ये हमारा 4 तरीके से हम काम कर रहे हैं। एक तो हेल्थ हाइजीन पर है, दूसरा हमारा न्यूट्रिशन प्रोग्राम चलता है और एजुकेशन का चलता है। इसके साथ साथ हम कम्युनिटी के लोगों के लिए भी काम करते हैं, माताओं के लिए, उनके अवेयरनेस के पर और फैमिली प्लानिंग के पर, इस पे हमारा काफ़ी जो है काम चलता है। अधिकतर तो ये है कि जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे, कई साइट्स ऐसी हैं जहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं पर पानी की समस्या काफ़ी है और ख़ासकर ये है कि यहाँ पे जो जमादार होता है उसके अंडर पे लेबर काम करती है, तो कभी कभी उन्हें रहते वो किसी साइट पे रहते हैं और जाना उनको दूसरी साइट पे जाना पड़ता है काम के लिए, तो वो सुबह से निकलते हैं और शाम को पहुँचते हैं, कभी ओवर टाइम लग जाता है तो रात भी हो जाती है उन्हें। तो यहाँ पर क्रेश तो हमारा 4:30 तक चलता है, उसके बाद उनको कभी बहुत समस्याएँ आती हैं, आने के बाद उन्हें खाना बनाना ही करना है, थोड़ा आराम करने को समय नहीं मिल पाता है, और जो भी दुकानें हैं दूर दूर हैं, यदि साइट पे कोई दुकान है तो वहाँ में काफ़ी महंगा ये मिलता है। किसी किसी साइट्स पे दिहाड़ी बहुत कम मिलती है उन्हें, बहुत कम मिलता है, जिसमें से नहीं बराबर है पर थोड़ा मिस्त्री का अलग है और लेबर का थोड़ा अलग होता है, और जिसमें से भी 4 रुपये जो है जमादार कमीशन लेता है, और कभी ऐसा होता है कि उन्हें काम नहीं लगता, उसकी वजह से बहुत परेशान होना पड़ता है उनको। जी पर वो ज़्यादा आती हैं कि कम आती हैं, घर जा चली जाती हैं काम करने के लिए? ऐसा हमारा ना लड़कियों पे मेन फोकस हम लोगों को लड़कियों पे रखा है कि हमारा एजुकेशन का भी ये है कि लड़कियां ज़रूर पढ़ें, और अक्सर ऐसा होता है कि बड़ी लड़कियां होती हैं तो माएँ नहीं भेजना पसंद करती हैं कि दीदी वो घर में खाना बनाएगी, हम काम पे जाते हैं, इस तरह की बात होती है। तो हम लोगों ने इस पे काफ़ी सर्वे किया था, तो हमारी ये उनके संग बातचीत हुई कि वो खाना बनाती हैं सुबह, यदि 10 बजे तक भी खाना बनाती हैं, 10:30 भी बनाती हैं, तो हमने छूट दे रखी है उन्हें कि वो अपना आएँ खाना वाना बना के आ सकती हैं। फिर उनका 1 बजे लंच होता है माओं का, वो 1 बजे लंच में आती हैं, तो बच्चे हमारे 12:30 बजे 12 बजे चले आते हैं, उनको खाना बनाना होता है, पानी भरना होता है, तो इस तरह की छूट दे रखी है कि ऐसा बंदिश नहीं है कि भाई नहीं इतनी सी देरी के लिए हम नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। फिर 2 बजे के बाद माँ जो है अपना चली आती काम पर, तब हमारे साथ 4:30 तक लड़कियाँ रहती हैं, फिर माँ की छुट्टी 5:30 तक होती है, तो उनको 1 घंटा काफ़ी मिलता है, उस बीच में वो अपना काम कर लेती। इसमें हम लोगों ने जैसे लड़कियों के लिए हमारे यहाँ संस्था में ऐसा स्कॉलरशिप भी हम लोगों का है, सोहनलाल ट्रस्ट द्वारा स्कॉलरशिप देते हैं, तो उसमें हमने माओं के संग ज़्यादातर ये बातचीत थी कि लड़कियों को यदि पढ़ाएंगे और किसी माँ को परेशानी है, घर की आमदनी कम है, पढ़ा नहीं पाती हैं, तो हमने स्कॉलरशिप का भी रखा है, उन लड़कियों को देते हैं। कई लड़कियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अभी हमारे और साइट्स पर हैं या कुछ हमारी स्लम्स वगैरह में हैं, जिन्होंने अपनी पढ़ाई रखी है, जारी रखी है। कुछ ऐसी हैं जो यहाँ से हमारे यहाँ क्रेश में बालवाड़ी में रही हैं, NFE करके हमने कॉर्पोरेशन स्कूल में एडमिशन दिलाया, फिर हमारी ही संस्था में ट्रेनिंग करके वो यहाँ पर जॉब पर भी हैं। कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं हमारी, कुछ सीमापुरी में हैं, कुछ मेरी प्लेस में, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी निकले हैं। ऐसे वैसे कई हैं, तो ऐसा काफ़ी कई जगह पर है कि कुछ छोटे मोटे ऐसे हादसे तो होते हैं, तो यदि हमें मालूम चलता है ऐसा किसी लेबर से कुछ ऐसी कोई बात हुई है, तो कोशिश हमारी होती है कि हम उस बच्चे को अपने सेंटर तक ले आते हैं, चाहे वो लड़की 12 साल की 13 साल की है, तो उसको हम अपने पास तक ले आते हैं और उसकी अपनी देखते हुए काबिलियत को देखते हुए कितना वो कुछ कुछ पढ़ सकती है, क्या कर सकती है, तो उसमें हम पूरी उसकी मदद करते हैं। नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं आया। यदि कोई शैतानी में लड़ाई झगड़ा, वो अलग है, बाकी कोई बड़ी लड़की है, जवान लड़की है, या माँ ने मारा या किसी ने ऐसे करा, तो इस तरह से नहीं कि कोई गलत मिसबिहेव वाली बात, ऐसा नहीं है। बाकी तो उसकी शरारत पे या उसने काम नहीं करा, इन बातों को लेके तो खैर चलता ही है सभी घरों में,
पर ऐसा कोई नहीं आया ऐसा केस। अच्छा,